नमस्कार, मैं आयुष जी, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रदेश देश में अमन चैन की कामना को लेकर राजस्व मंत्री और मंडल विधायक रामलाल जाट की अगुवाई में 11,000 कावड़ पदयात्रियों एवं हजारों शिव भक्तों के साथ दूसरी विशाल कावड़ यात्रा शुरू हुई। आज सवेरे से ही मंडल तालाब की पाल पर शिव भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हजारों की संख्या में बदल गया। हजारों शिव भक्तों के हाथों में भगवा ध्वज लिए हर हर महादेव व जय भोले के जयकारों के बीच निर्धारित समय पर मंडल तालाब की पाल से हरणी महादेव तक 21 किलोमीटर तक की कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़े, भक्तों की संख्या भी बढ़ती चली गई। कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले शिवालयों व अन्य मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक व पूजा अर्चना की गई। मंडल से लेकर शहर तक कावड़ियों का जगह जगह लोगों द्वारा गर्मजोशी से जयकारे लगाते हुए स्वागत किया जा रहा है। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ओम नारायणी बाल ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे मंडल तालाब की पाल से कावड़ यात्रा राजस्व मंत्री जाट की अगुवाई में शुरू हुई। शुरुआत से पहले हजारों भक्त हाथों में कावड़ लिए कतारबद्ध दिखाई दिए। कावड़ यात्रा मंडल तालाब की पाल से गनगौर घाट, बड़ा मंदिर, सदर बाजार, बस स्टैंड, मंडल चौराहा, भदाली खेड़ा चौराहा होती हुई अपराहन बाद हरणी महादेव पहुंचेगी। कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस जनों द्वारा जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद यात्रा स्टेशन चौराहा, गोलप्याऊ चौराहा, संकट मोचन हनुमान मंदिर, कोतवाली थाना, बड़ला चौराहा, तेज सिंह सर्किल, बड़ी हरणी व हरणी महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां कावड़ियों द्वारा ले जाए जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। कावड़ यात्रा के चलते मंडल से लेकर भीलवाड़ा और हरणी महादेव तक सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। कावड़ यात्रा का सीधा मत इस बात पर भी है कि सामाजिक सौहार्द एवं समरसता की यह अनूठी मिसाल है। रूप से आपकी कावड़ यात्रा निकल रही है। भाईचारा, सभ्यचार, सामाजिक समस्या बनी रहे, इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी बेहतर निभा रहे हैं और राजनीति में अच्छी पोल आए। अगर हमारे सरकार, हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी में जाएंगे तो अच्छे राजनेता होंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो भाईचारा कायम रहेगा। कांग्रेस बिल्कुल चुनावी मूवमेंट आ गई, आज का दौर लग रहा है कि चुनाव में उतर गए आप। चुनाव हमेशा 5 साल का होते हैं। हाँ, होती है, चुनाव हर साल आता है। हर साल हम सभी लोग धार्मिक चीजों को आने वाले पीढ़ी में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यात्रा हमारी तारीख, जो कानून बना, आपस में भाईचारा, सभ्यचार, सामाजिक समरसता बनी रहे, इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी बेखूबी निभा रहे हैं और राजनीति में अच्छी पोल आए। अगर हमारे सरकार, हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी में जाएंगे तो अच्छे राजनेता होंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो भाईचारा कायम रहेगा। डिजिटल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हमारे सरस्वत महोदय श्रीराम राजस्व मंत्री श्रीमान रामलाल जाट के साथ के नेतृत्व में जो है कावड़ यात्रा निकली है। ये कावड़ यात्रा चुनावी नहीं है और इसमें गैस गत वर्ष से हमने कावड़ यात्रा निकाली थी, उसी के तहत किसान मास में हर साल निकालने का जो है, और डिजिटल इंडिया जो है साल में 2 बार मतलब जन्म करता है, विकलांगों को जन्म लगाता है, उसमें केवल मानवता की सेवा के लिए काम किया जाता है। आज ये जो कावड़ यात्रा का उद्देश्य है कि नई दिल्ली में अच्छे संस्कार हो और हम जो धर्म के प्रति हमारी जो है सोच है, हर धर्म यही सिखाता है कि शांति प्रिय तरीके से आगे आगे देश को आगे बढ़ाए, शहर को आगे बढ़ाए, अपने समाज को आगे बढ़ाए, आगे अपने घर को बढ़ाए, इसी सोच को लेकर मुझे कावड़ यात्रा निकली जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में भक्तों का रेला कावड़ यात्रा में शरीफ है, इसमें हजारों की तादाद में जो है कावड़ यात्रा में जो है लोग मिलते हैं और उसमें जो जिस तरह का जो अपने अभी जो जो भी कुछ घटनाएं देश में घट रही है उसको नई पीढ़ी को उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि धर्म जो है सभी जातियों का एक है और हम सब मिलकर अच्छे काम के लिए आगे बढ़े, इसलिए कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा समाप्ति अपने हनी महादेव में होगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे?
ये मंडल तालाब की पार्टी शुरू हुई है और सुबह सकल से होते रेलवे स्टेशन होते हुए गोलपुर चौराहे से लेकर कोतवाली से बाहर से लेकर मंडला चौराहे से होते हनुमान महादेव पहुँचेंगे। वहाँ सभी भक्तालु भक्तजन जो है हनुमान देव में अभिषेक करेंगे। गंगा जल जो ऋषि के ऊपर से गए हैं उसे भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो है प्रसादी रखी है सब भक्तों की